हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण केमिस्ट्री अगेन। हम लोगों को गैस लॉस बहुत मुश्किल लगते हैं। क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि हमें ये याद नहीं रहता कि बॉयज लॉस में क्या कांस्टेंट होना चाहिए, गे लुसेक्स में क्या कांस्टेंट होना चाहिए। तो है और अ ट्रिक, आपको सिर्फ कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ तीन वर्ड्स याद करने हैं, बी सी जी। बी का मतलब है बॉयज लॉ, सी का मतलब है चॉर्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ। बी सी जी का इंजेक्शन होता ना, बस वही याद करना है। अब हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के तीन वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। आपको बस वही चीज कांस्टेंट लिख देनी है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मतलब बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेंगे, और वो हमेशा क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो चेंज होता है। गे लुसेक्स में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है चेंज होता है। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है पर वॉल्यूम और मोल्स वेरी करते हैं। तो इस छोटी ट्रिक से आप बहुत ही इजी वे में गैस लॉस को याद कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर ट्रिक्स देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑरम केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।